हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फटाफट सीरीज में। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स फॉर बोथ एपीएफसी एज वेल एज ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं गाइस वो है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 रेफर नहीं किया है तो आपको पार्ट 1 भी रेफर करना है और पार्ट 2 भी आपको रेफर करना है, क्योंकि यहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट से जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और जिनकी पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमवर्क क्वेश्चन जो कि हम लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे। सो एज पर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर मींस, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पीएफ वाला एम्प्लॉइज पीएफ एक्ट जो है उसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब क्या है? योर ऑप्शंस आर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ऑल ऑफ द अबव। So the right answer is option number D, that is all of the above। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब definition पढ़ेंगे authorized officer की, so वहाँ पे आप देख सकते हैं central provident fund commissioner भी है, additional central provident fund commissioner भी है और यहाँ पे deputy provident fund commissioner भी है और regional provident fund commissioner भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे ही हैं जो authorized officer माने जाएंगे under this particular act। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे सेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एनी वुमन हु अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, तो अगर किसी वुमेन ने 3 months से कम के किसी बेबी को उन्होंने अडॉप्ट किया तो उस केस में वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कितनी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड होंगी? दिस इज द क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर 24 वीक्स, 12 वीक्स, 26 वीक्स और 29 वीक्स। So the right answer is option number B, that is 12 weeks। ठीक है, यहाँ पर 12 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट ही मिलेगी क्योंकि उन्होंने बर्थ नहीं दिया, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। राइट, तो उस केस में यहाँ पर 12 वीक्स की ही यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे वो। सो हियर यू कैन सी, अ वुमन हु लीगली अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months और अ कमिशनिंग मदर शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू द अडॉप्टिंग मदर और द कमिशनिंग मदर एज द केस मे बी। ठीक है, तो 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट ही मिलेगा यहाँ पर। Question number 2 is, no woman shall work in any establishment during the which of the following weeks immediately following the day of her delivery। ठीक है, जब भी किसी भी वुमेन की डिलीवरी हुई है उस डेट से कितने वीक तक वो काम नहीं करेंगी, दिस इज द प्रोविजन। योर ऑप्शंस आर 4 वीक्स, 8 वीक्स, 6 वीक्स और 12 वीक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 वीक्स तक वो काम नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों रखा गया गाइस? क्योंकि उनको हेल्थ को ध्यान रखते हुए, क्योंकि उन्होंने अभी उनकी डिलीवरी अगर हुई है, अभी बेबी का बर्थ हुआ है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा वीक रहती है। राइट, और बेबी को भी केयर चाहिए होती है, तो दोनों को चीज़ों को कंपाइल करके ही ये प्रोविजन रखा गया है कि यहाँ पे 6 वीक्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी वुमेन काम नहीं करेंगी। राइट, so here you can read the provision, employment of or work by women prohibited during the certain period। so यहाँ पे provision आप पढ़ सकते हैं, no women shall work in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery or miscarriage or medical termination of pregnancy। ठीक है, चाहे डिलीवरी हुई हो, चाहे यहाँ पे miscarriage हुआ हो या medical termination of pregnancy हुई हो, इन सारे ही केसेस में उस पर्टिकुलर डेट से लेकर 6 वीक तक वो काम नहीं करेंगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 3rd इज, एवरी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हाफ ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, 1/3 ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस और डबल ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट की लीव कितनी मिलेगी, बट लीव से काम नहीं होगा, यहाँ पे उनको वेजेस भी चाहिए होंगे। राइट, अगर वो घर बैठेंगे उन्हें अपने लाइवलीहुड के लिए वेजेस भी चाहिए होंगे, तो वो वेज किस रेट से पे किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, जब वो सपोज यहाँ पर 26 वीक्स की लीव पर है तो उस केस में उन्हें कुछ वेजेस भी पे किए जाएंगे, तो उन वेजेस को पे किए जाने का जो रेट है वो कितना होगा? सो दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। ठीक है, तो जितना भी वेज उनको मिल रहा था उतना ही वेज मिलेगा यहाँ पर, ऐसा कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, अदरवाइज तो फिर इस प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं। राइट, तो प्रोविजन उनके बेनिफिट के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे अगर इस वेज को अगर हम हाफ कर देंगे या 1/3 कर देंगे तो उस केस में जो प्रोविजन वो डिफीट हो जाएगा। राइट, पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इज एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। Right? So here you can see right to payment of maternity benefit, वहां पे आप पढ़ सकते हैं कि जो भी वुमेन रहेंगी जो इंटाइटल्ड है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, उस केस में उन्हें जो वेज मिलेगा वो एवरेज डेली वेज मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। ठीक है, जिस भी पीरियड में वो एब्सेंट रहेंगी, दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 26 वीक्स और 12 वीक्स एज द केस में भी, उस पीरियड में जो उन्हें वेज मिलेगा वो एवरेज डेली वेज मिलेगा जो उन्हें मिलता आ रहा था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4th इज, एज पर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक्स शैल बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन हु डिलीवर्ड अ चाइल्ड। ठीक है, नर्सिंग ब्रेक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने का एक प्रोविजन है उन वुमेन के लिए जिन्होंने यहाँ पे चाइल्ड को डिलीवर किया हुआ। राइट, सो योर ऑप्शंस आर 3 नर्सिंग ब्रेक्स, 2 नर्सिंग ब्रेक्स, 5 नर्सिंग ब्रेक्स और 4 नर्सिंग ब्रेक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 नर्सिंग ब्रेक्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 नर्सिंग ब्रेक्स जो है वो तो मैंडेटरी है, वो एम्प्लॉयर को देना ही देना है। एम्प्लॉयर चाहे तो उससे ज्यादा भी दे सकता है, राइट, बट 2 मैंडेटरी है, एटलीस्ट इतना देना ही पड़ेगा। सो एवरी वुमन डिलीवर्ड ऑफ अ चाइल्ड हु रिटर्न्स टू ड्यूटी आफ्टर सच डिलीवरी शैल इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर बी अलाउड इन द कोर्स ऑफ हर डेली वर्क 2 ब्रेक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन फॉर नर्सिंग द चाइल्ड until the child attains the age of 15 months। ठीक है, जब तक चाइल्ड जो है 15 मंथ्स का नहीं हो जाता है तब तक उन्हें डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिलेगा। राइट गाइस, Question number 5 is, as per the provisions of Maternity Benefit Act 1961, every establishment having how many employees shall have the creche facility, right? Your options are 10, 20, 15, 50 or 100। So, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल हो जाएगा क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एटलीस्ट 50 और मोर एम्प्लॉयज होने चाहिए। राइट, तो यहाँ पे बात करें तो एवरी स्टैब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉयज, तो जहां किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जहां पर 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं शैल हैव द फैसिलिटी टू क्रैश विद इन सच डिस्टेंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आइदर सेपरेटली और अलॉन्ग विद कॉमन फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो लिमिट है 50 और उससे ज्यादा एम्प्लॉय की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now this is the homework question guys, as per the provisions of Maternity Benefit Act 1961, amount of medical bonus shall be increased in every, your options are 2 years, 3 years, 4 years or 5 years। लास्ट जब हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे थे, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था गाइज कि यहाँ पर जो मेडिकल बोनस है उसका अमाउंट कितना पे किया जाना है और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और कौन सी अथॉरिटी इसे डिसाइड करती है, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। राइट, बट एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है कि जो मेडिकल बोनस जो है यहाँ पर इसको इंक्रीज को बढ़ाया भी जाएगा, बट वो जो बढ़ाने का जो इंटरवल है, वो पीरियड है, वो कितना रहने वाला है। ठीक है, 2 ईयर्स में बढ़ेगा या 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में या 5 ईयर्स में। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। राइट गाइज, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। और हमने यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए फॉर एपीएफसी एंड ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। मास्टर पैक हो गया, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज कोर्स, तो इनके क्या फीचर्स है, क्या एट्रीब्यूट्स है, राइट, वो सारी चीजें आप यहाँ पे जान सकते हैं बाई रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन।